दोस्तों अब बहाना नहीं चलेगा क्योंकि यूपी पुलिस में काफी वैकेंसी आ गई है कांस्टेबल की। तो कैंडिडेट्स इसकी प्रिपरेशन करना चाहता है, यानी कि जिसकी एज इसके अनुसार दी गई है, जो इसमें रिक्रूटमेंट में दी है, तो इसको रिक्रूटमेंट को ढंग से रीड करके जाना है और तभी फॉर्म भर को फिल करना है। दोस्तों काफी वैकेंसी आ गई है और काफी अच्छा मौका है, 60,000 कुछ वैकेंसी है। तो आइए हम इसको रीड करते हैं, ढंग से समझते हैं एज क्या होनी चाहिए और टेस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको रीड करना है, कितने एग्जाम पैटर्न कैसा होगा, लास्ट डेट क्या है इसकी भरने की। इसमें कितनी वैकेंसी है अनारक्षित की, तो वो 24,102 वैकेंसी, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस की 6,024 है। अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी की है 16,264, अनुसूचित जाति की है यानी कि एससी की है 12,650, एसटी की है 1204, यानी कि 60,244 वैकेंसी है। तो ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट यहाँ दी हुई है, देखिए uppbpb.gov.in, इस पर आप जाकर फिल कर सकते हो इस फॉर्म को इस वेबसाइट पर। दोस्तों यहाँ ये इसकी UPPB BP की फुल फॉर्म है, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। उत्तर प्रदेश में आई हुई है दोस्तों काफी वैकेंसी कॉन्स्टेबल की, सिपाही की जो भर्ती होगी। और इसमें ऑनलाइन यानी कि ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की होने की तारीख 27/12/2023 प्रारंभ है, यानी कि 27/12 से स्टार्ट हो गई है फॉर्म फिल करने। और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अंतिम तिथि है वो 16 जनवरी 2024 है, और शुल्क समायोजन व आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 18 जनवरी 2024 है। इसमें ऑनलाइन जो फी है यानी कि शुल्क जो लगेगी आपकी वो 400 रुपये लगेगी, ठीक है। इसमें जो अर्हताएं हैं वो यहाँ पढ़ लेना दोस्तों। बाकी जो अगर शैक्षिक की बात देखें कि आपको आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कितनी होनी चाहिए, वो 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड, यानी कि आपने जो विधि द्वारा स्थापित बोर्ड है, चाहे यूपी बोर्ड हो, स्टेट जो भी स्टेट बोर्ड है या फिर सेंट्रल बोर्ड, तो सीबीएसई बोर्ड हो, इनसे क्या है कि आपको 10वीं एवं 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए, 10वीं 12वीं आपकी क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद है उन लोगों को जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा जिन्होंने DOEACC या NIELTS सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक की सेवा की हो, या फिर एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। इसमें एज लिमिट जो है वो 18 वर्ष यानी कि न्यूनतम होनी चाहिए, और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ने की, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2001 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें कुछ छूट भी दी गई है, यानी कि आयु या ओबीसी में एससी एसटी के लिए उनके लिए पढ़ लेना। चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए, और उसके बाद जो वैवाहिक स्थिति है तो वो यहाँ दे रखा है कि एक से अधिक पत्नियां जीवित हो, या एसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पूर्व से एक पत्नी जीवित हो। बाइगेमी पॉलीगेमी करने का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जा सकती है, तो इसको पढ़ लेना। शारीरिक स्वस्थता यानी कि स्वस्थ हो, सही हो, दोष से मुक्त, यानी कि किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक वो यानी कि मेंटलिटी उसकी ठीक नहीं है, यानी शारीरिक दृष्टि से फिजिकल दृष्टि से सही नहीं है, तब तक उसको भर्ती नहीं किया जाएगा। भर्ती की प्रक्रिया में कुछ यहाँ नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, तो नोटिफिकेशन को ढंग से पढ़ के जाना। और लिखित परीक्षा में लिखित परीक्षा जो जो होगी वो 300 अंकों की होगी, और इसमें समय अवधि आपको 2 घंटे दी जाएगी। ये टाइम कितना दिया जाएगा, 2 घंटे का। 4 विषय होंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, और मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। इसमें टोटल लिखित परीक्षा में 150 प्रश्न आएंगे। इसमें जो है गलत उत्तर अगर आप देते हो तो ऋणात्मक अंक प्रदान किया जाएगा, 0 माइनस यानी कि 0.5 आपको दिया जाएगा, उसमें काट लिया जाएगा 0.5 मार्क्स। और यदि आप सही करते हो किसी प्रश्न का उत्तर, तो उसमें एक प्रश्न के उत्तर का 2 मार्क्स दिए जाएंगे। वो नॉर्मलाइजेशन होगा, OMR सीट सही से भरना है, ठीक है, वहाँ और प्रैक्टिस करके जानी है उस पर। अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षण यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि PST और DV, ये आपका किया जाएगा अगर आप लिखित परीक्षा में पास हो जाते हो, तो समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका फिजिकल PST टेस्ट होगा। कैंडिडेट की हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। कुछ जो है इसके लिए अनुसूचित जनजाति के लिए ST के लिए छूट है, 160 सेंटीमीटर है इनके लिए। और इनके लिए अगर मतलब चेस्ट की बात करें, नॉर्मल जो है वो 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए होने चाहिए, फुला के 84 सेंटीमीटर होनी चाहिए।
अनुसूचित जनजातियों की अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पर होने चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना चाहिए न्यूनतम। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम जो शारीरिक मानक है वो हाइट जो है उनकी 147 तो एस इसके लिए एसटी के लिए, और जो सामान्य या अन्य पिछड़े वर्ग हैं ओबीसी वर्ग के लिए और जनरल के लिए 152 सेंटीमीटर लड़की की हाइट होनी चाहिए। तो वजन अगर की बात करें तो 40 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए, न्यूनतम मतलब 40 किलोग्राम होना चाहिए लड़की का वेट। बाकी इनमें शारीरिक और मानक परीक्षण के बारे में दिया हुआ है, और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, पैट टेस्ट होगा। इसमें क्या है कि 4.8 किलोमीटर रेस होगी आपकी, मतलब रनिंग 4.8 किलोमीटर की दौड़ होगी और 25 मिनट में होगी। ये मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 2.4 किलोमीटर की दौड़ 14 मिनट में पूरी करनी आवश्यक होगी। यहाँ कुछ चयन तथा अंतिम योग्यता की सूची दी हुई है, इस तरीका से पहले प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, सबसे ज्यादा नंबर है पहले उसको, फिर उसके बाद यदि समान आता है, समान नंबर होते हैं दोनों के, तो उसमें प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, या फिर जिसकी एज ज़्यादा है तो उसमें प्रेफरेंस, यहाँ उसके हिसाब से चयन समिति क्या डिसाइड करेगी वो यहाँ दिया हुआ है। आरक्षण एवं आयु सीमा में छूट, EWS यानी कि जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है वो अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, OBC वाले अपना सर्टिफिकेट बनवा ले, SC ST वाले भी, तो उसके अनुसार यानी कि यहाँ छूट दी गई है कि एज में रिलैक्सेशन OBC में कितना है और अनुसूचित जाति में SC में 5 वर्ष का है, इसमें भी 5 वर्ष का है, SC में और OBC में भी 5 वर्ष का है, तो यहाँ देख लीजिए। और हॉरिजॉन्टल आरक्षण एक्स सर्विसमैन के लिए कितने कितने एज का रिलैक्सेशन है, यहाँ ऑनलाइन फॉर्म के बारे में दिया हुआ है, कैसे सबमिट करना है फॉर्म में, यानी कि इस वेबसाइट पर जाके आप सभी नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़कर एडवर्टाइजमेंट को क्लिक करना होगा, और यह कैंडिडेट्स रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके फिर आगे की प्रोसेस पूरा करना होगा। और इसमें हेल्पलाइन नंबर भी दिया हुआ है, तो हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कंफर्म कर सकते हो अगर कोई आपकी क्योरी है, तो ऑनलाइन ही पेमेंट जमा करनी, और डिजी लॉकर के माध्यम से डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर सकते हो, फोटोग्राफ और हस्ताक्षर। यहाँ कितनी कितनी KB के हैं, न्यूनतम KB 5 KB, अधिकतम 20 KB ये हस्ताक्षर के हैं, और रंगीन फोटो का जो साइज है वो मिनिमम 20 KB तथा अधिकतम 50 KB दिया हुआ है। रंगीन फोटो का जो सिलेबस है दोस्तों लिखित परीक्षा का, वो यहाँ दिया हुआ है। सब्जेक्ट जो है जैसे जनरल नॉलेज है, तो जनरल नॉलेज में सामान्य ज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य व्यापार जनसंख्या पर्यावरण आदि, कम्युनिकेशन, फिर सामान्य हिंदी ये भी आई, सामान्य हिंदी में हिंदी व्याकरण और मौलिक ज्ञान, और हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, छंद, अलंकार, उपसर्ग, प्रत्यय आदि ये सिलेबस में दिया हुआ है। एक एक टॉपिक को अच्छे ढंग से क्लियर करना है, और न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि संख्यात्मक मानसिक योग्यता, तो इसको भी इसमें नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन और कॉमन फैक्टर्स, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज टाइम एंड वर्क, तो ये दी मेंटल एबिलिटी मानसिक योग्यता में, तो वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट, परसेप्शन और नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेटिकल लॉसी, कॉमन सेंस टेस्ट, वह मानसिक अभिरुचि और बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता, मेंटल एप्टीट्यूड, IQ एंड रीजनिंग एबिलिटी। तो यहाँ मेंटल एप्टीट्यूड दिया हुआ है, इसमें क्राइम कंट्रोल, रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टिलिटी, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल, फिर बुद्धि लब्धि के बारे में, रिलेशनशिप एंड एनालॉजी, स्पॉटिंग आउट ऑफ डिसिमिलर, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट, ब्लड रिलेशन, प्रॉब्लम्स एंड बेस्ड ऑफ अल्फाबेट, फिर है रीजनिंग यानी रीजनिंग एबिलिटी, तार्किक क्षमता, एनालॉजीज, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, स्पेस विजुलाइजेशन है। बाकी फॉर्मेट दिया हुआ है, जो कास्ट सर्टिफिकेट है उनका फॉर्मेट दिए हुए हैं अलग अलग।